सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आखिर विपक्ष ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। उसकी तरफ से इसके समर्थन में काफी बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है, किसने कहा है, ये सब जानने से पहले हम थोड़ा सा पहले चलते हैं ताकि जो बातों को नहीं समझते हैं, पूरे मैटर को जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल रहे लोगों के लिए भारत सरकार सीए लेकर आई, जिसके बाद विपक्षों की तरफ से इस पर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया गया कि ये लोगों की नागरिकता छीन लेगा। मोदी सरकार की तरफ से भी क्लियर किया गया कि नागरिकता लेने का नहीं है बल्कि देने का कानून है, पर विपक्षों को लगा कि अगर उन्होंने हार मान ली तो उनकी जो दुकान है वो ठप पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को शांत बैठाना सही नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को घर नहीं बैठाया। उन्होंने सीए के साथ उस एनआरसी का मुद्दा भी जोड़ दिया जो आया ही नहीं था, जबकि लोगों को नागरिकता की बातें सिखाई गई, उनको कहा गया कि आप नागरिकता खो देंगे। शाहीन बाग जैसे ना जाने कितने प्रदर्शन देश भर में होने लगे, जिनमें मोदी विरोध के चक्कर में देश को काटने तक की बातें कह दी गई, हिंदुत्व की कब्र तक खोदने जैसे नारे लगने लगे। अपने आप को संवैधानिक बताते हुए सड़क जाम कर दी गई। जाफराबाद में तो सड़क जाम करके बैठी महिलाओं की वजह से दिल्ली में दंगा तक हो गया। कितना कुछ नहीं हुआ देश में सीए पे जो भ्रम फैलाया गया था उसके चलते। इसका जिम्मेदार आम जनता कम रही और विपक्षी ज्यादा रहे, जिन्होंने जनता के दिमाग में इतना भ्रम और नफरत भर दी कि सही गलत का उसको पता ही नहीं लगा, उनको पता ही नहीं लगा कि सही क्या है और गलत क्या है। पहले बोला गया कि सरकार का कोई बंदा कह दे कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी तो धरने प्रदर्शन बंद हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि सीए किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं, और एनआरसी अगर आता है तो इससे किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी, उसको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन विपक्षों की तरफ से अपनी दुकान जो थी उनकी उसको ठप होते देख कहा गया कि सरकार लिखित में दे दे तो हम मान जाएंगे। मतलब कुल मिला के बात ये रही कि सरकार का बार बार चीज़ों को क्लियर करना भी लोगों को समझ नहीं आया, विपक्षों को समझ नहीं आया, और वो उन लोगों पर भरोसा करते रहे जिन्होंने उनको भ्रमित करने का काम किया। पर अब विपक्ष ने भी सीए के आगे घुटने टेक दिए हैं और उसकी तरफ से मान लिया गया है कि हाँ, सीए से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की गुगली में कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल फंस गए। कल तक सीए को भारतीयों के खिलाफ बता रहे कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि सीए किसी की नागरिकता को छीनेगा। कोई ये नहीं कह रहा कि सीए किसी की नागरिकता को छीनेगा, हम नहीं कह रहे। असल में 12 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली के हालिया दंगों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। बात दंगों से होते हुए एनपीआर और सीए पर आ पहुंची। गृह मंत्री ने विपक्षी नेताओं पर सीए और एनपीआर पर अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक तरीके से भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल उनकी गुगली में फंस गए और उन्हें बोलना पड़ा कि कोई नहीं कह रहा कि सीए किसी की नागरिकता को छीनेगा। फिर क्या था, ट्विटर पर कपिल सिब्बल ट्रेंड करने लगे। बीजेपी को उनके बयान से कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने कपिल सिब्बल के बयान के हिस्से को ट्वीट कर सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोला। मालवीय ने पूछा कि अगर सीए किसी की नागरिकता को छीन नहीं रहा है और ये बात कांग्रेस को मालूम है तो सोनिया गांधी लोगों को घर से निकलने, सड़क पर उतरने और कुर्बानी देने के लिए क्यों उकसा रही थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अमित शाह की गुगली में कपिल सिब्बल फंस गए। दिल्ली दंगों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीए को लाने के तुरंत बाद हेट स्पीच शुरू हो गई। उनकी तरफ से कहा गया कि पूरे देश भर में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम भाइयों के मन में भ्रम फैला दिया गया कि आपकी नागरिकता जो है वो छीन ली जाएगी। उन्होंने सदन के सदस्यों से बार बार पूछा कि एक भी प्रावधान ऐसा बता दिया जाए जिससे किसी की नागरिकता छीनने का खतरा पैदा हो रहा हो। सीए किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है।
इसके बाद शाह ने सभी दलों से अपील की कि वो एक होकर कहें कि सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी तो एक भी दंगे नहीं होंगे। इसके बाद शाह ने कहा कि कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वाले वकील हैं, सीए में कोई ऐसा प्रावधान बता दीजिए जिससे मुस्लिमों की नागरिकता जाती हो। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है, सीए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अमित शाह के इतना कहने के बाद कपिल सिब्बल साहब अपनी सीट से उठे और कहा कि कोई नहीं कह रहा कि सीए किसी के नागरिकता को छीनेगा। उनके इस बात को शाह ने तपाक से लपक लिया और कहा कि वो कांग्रेस के कई नेताओं को कोट कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सीए मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा। इसके बाद सिब्बल ने एनपीआर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कानून कहता है जब एनपीआर होगा तो उसमें 10 और सवाल पूछे जाएंगे, उस समय अगर डाउटफुल का मार्क लगा दिया गया तो मुश्किल होगी गरीबों को, केवल मुसलमानों को मुश्किल नहीं होगी, सभी गरीबों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद शाह ने सदन को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि एनपीआर में किसी से भी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे और जो जितनी सूचना इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो उतनी ही दे दे, ये वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है। शाह ने ये भी कहा कि कोई डाउटफुल मार्क नहीं लगेगा, देश में किसी को भी एनपीआर से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अमित शाह की गुगली में कांग्रेस नेता फंसे तो उन्होंने तपाक से सारी सच्चाई उगल दी और कह दिया कि जो सीए है उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। पर अब ये कोई कैसे भूल सकता है कि कहने भर के सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेसी हर्ष मंदर कैसे सीए के खिलाफ लोगों को सड़क पे उतरने की बात कह रहे थे। कोई कैसे भूल सकता है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लोगों को घरों से निकलने और कुर्बानी देने के लिए उकसा रही थी। कोई कैसे भूल सकता है जब दिग्विजय सिंह से लेकर गुलाम नबी आज़ाद तक ने सीए को भारतीयों के खिलाफ कह दिया था। कितनों के नाम हम गिनाएं, जितनों के गिनाएंगे उतने ही नाम कम पड़ते जाएंगे। कपिल मिश्रा का दोष तो सिर्फ इतना था कि उन्होंने सड़क पर बैठी महिलाओं को उठाने का अल्टीमेटम पुलिस को दे दिया था, इसी में ही वो दंगाई कहे जाने लगे। जबकि अगर दंगों का आप मूल कारण खोजने बैठेंगे ना तो आपको विपक्षियों के कई ऐसे बयान मिलेंगे जिन्होंने समाज को हिंसा की आग में ढकेल दिया। दुखद बात यह रही कि सच्चाई पता होने के बावजूद झूठ फैलाने में कांग्रेस के नेता सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखे। खैर, अब कपिल सिब्बल ने मान लिया है कि सीए से किसी को कोई ख़तरा नहीं है तो उम्मीद है कि जल्द ही देश में इसके खिलाफ हो रहे धरने प्रदर्शन बंद होंगे और उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिनको इनके चलते, इन प्रदर्शनों के चलते रोज़ाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे तो गोपी और मैं नाम माना, वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।